हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा राव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल और आरके कैंपस ऐप पर। आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए मैथ्स के क्वेश्चन, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आज हम मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सिक्स्थ क्लास के लिए हमारे नवोदय के एग्जाम होंगे, ठीक है, वो उसका पेपर जो है, पेपर किस तरीके से आएगा। उस पेपर में हमारे तीन भाग होंगे। कितने भाग होंगे? तीन भाग होंगे। ठीक है, हम प्रत्येक भाग के बारे में डिटेल से देखते हैं एक बार। भाग ए जो है हमारा, भाग ए में क्या आएगा? भाग ए में आएगा मेंटल एबिलिटी। क्या आएगा? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स की आएगी मेंटल एबिलिटी हमारे एग्जाम में? 50 मार्क्स की आएगी। ठीक है, कितने मार्क्स की आएगी? 50 मार्क्स की हमारी क्या आएगी? मेंटल एबिलिटी आएगी। ठीक है, भाग दो जो है, भाग दो में क्या पूछा जाएगा? भाग दो में हमसे पूछा जाएगा मैथ्स। ठीक है, भाग दो में मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथ्स के हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का होगा। ठीक है, मार्क्स कितने का आएगा मैथ हमारा? 25 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 25 नंबर का हमारा मैथ्स आएगा, 50 नंबर की हमारी मेंटल एबिलिटी आएगी। फिर आता है हमारा भाग सी। क्या आता है हमारा? भाग सी। भाग सी में हमसे क्या पूछा जाएगा? भाग सी में हमसे हिंदी, ठीक है, और ये हम नीचे लिख देते हैं इंग्लिश। अब हिंदी किसके एग्जाम में आएगी और इंग्लिश किसके एग्जाम में आएगी, ये देखते हैं। हिंदी जो है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, यानी कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के एग्जाम में हिंदी नहीं आएगी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन हमारे पास 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह इंग्लिश के भी हमारे पास 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का होगा, यानी कि हिंदी हमसे 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसी तरह इंग्लिश में भी प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा और ये भी हमसे 25 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, अब देखो टोटल मार्क्स कितने का होगा हमारा पेपर? टोटल मार्क्स होंगे हमारे 100। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा हमारा। ठीक है, 100 नंबर क्या होगा हमारा पेपर होगा। ये तो देखा हमने कि हमारा पेपर जो है वो कैसा आएगा। ठीक है, अब अगर आपको नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स चाहिए, ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो आरके कैंपस अपने प्ले स्टोर से आरके कैंपस को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपको नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 999 रुपए में। ठीक है, मात्र 999 रुपए में। ये जो है 999 रुपए सिर्फ 30 नवंबर तक ही है, 30 नवंबर तक ही है, क्योंकि इस पे दिवाली का 50% ऑफ चल रहा है अभी। ठीक है, 30 नवंबर के बाद जो है इसकी कीमत बढ़ जाएगी, बढ़ के ये कितनी हो जाएगी? 1999 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको ये जो कोर्स होगा इसमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, ये कोर्स जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से है। ठीक है, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम का ही कोर्स खरीदे, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स खरीदे। ठीक है, हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो हिंदी मीडियम का ही कोर्स खरीदे और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स खरीदे। ठीक है, अब देखो आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। इस कोर्स में आपको सबसे पहले देखो ई बुक मिलेगी। क्या मिलेगी? ई बुक मिलेगी। आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको मिलेगी ई बुक। ठीक है, इस ई बुक में क्या क्या होगा? इस ई बुक में होगा आपका टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, क्या होगी? टेस्ट सीरीज होगी हमारी। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी। और क्या क्या होगा इसमें? मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। क्या होंगे? मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। और इस ई बुक में क्या मिलेगा हमारे पास इस कोर्स में? सेकंड नंबर पे है ये जो ई बुक है हमने कहाँ से तैयार की है? इस ई बुक को हमने जो नवोदय विद्यालय के 10 से 15 साल के जो पेपर हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर जो पेपर है वहाँ से इस ई बुक को हमने तैयार किया है।
ठीक है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में 85% जो क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट ईयर पेपर से ही सेट होते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर पेपर से ही 85% क्वेश्चन सेट होते हैं। अब देखो फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या मिलेगा इस कोर्स में, इस कोर्स में मिलेगा हमें वीडियो। वीडियो क्या होगी, हमारे टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी हमें, ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो होगी, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी हमें, ठीक है, मैथ्स की अलग से मिलेगी, रीजनिंग की अलग से मिलेगी, हिंदी की और इंग्लिश की अलग से मिलेगी, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये मिलेंगे हमारे पास इस कंप्लीट कोर्स में, ठीक है। ई बुक मिलेगी, ई बुक में टेस्ट सीरीज होगी, मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या होगी, वीडियो, वीडियो लेक्चर वगैरह होंगे, ठीक है, मैथ्स के, और टॉपिक वाइज होंगे ये सब, क्या होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, आज का सेट है हमारा सेट नंबर 10। कौन सा सेट है, सेट नंबर 10। इससे पहले हमने 9 सेट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेट है हमारा सेट नंबर 10, ठीक है, देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित होगी, यानी कि हमें बताना है कि हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से, 4 से, 5 से और 6 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, एक तो फर्स्ट वाला मेथड है हमारा कि हम क्या करें, इसको हम प्रत्येक ऑप्शन को उठाए, ठीक है, हम प्रत्येक ऑप्शन को उठाए और उसको 3 से डिवाइड करें, फिर हम उसको 4 से डिवाइड करें, फिर 5 से करें और फिर 6 से करें, एक तो ये वाला मेथड है हमारा, ठीक है, यानी कि हम जैसे कि पहले हमने फर्स्ट ऑप्शन उठाया कि 1440 को हम पहले क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसी को हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर किससे, 5 से, फिर 6 से, अगर ये सबसे डिवाइड हो रहा है तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, अगर ये 1 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हमारा आंसर वो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि तीनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। एक तो मेथड ये है हमारा, दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरा मेथड है एलसीएम वाला मेथड, ठीक है, लेस से वाला मेथड देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। देखो एलसीएम से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम 3 का 4 का 5 का और 6 का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, हम इनका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले हम करते हैं 2 से, ठीक है, 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम सेम लिख देंगे, 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हम 5 को सेम लिखेंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता है 2 से कम्प्लीटली, ठीक है, 2 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम इसको, फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 आ जाएगा, फिर हमारा 5 और ये 1, ठीक है, अब फिर किससे करेंगे, 2 से कर लेते हैं हम, यहाँ पे 1 आएगा, 2 ये 5 और ये 1, ठीक है, फिर करेंगे हम 5 से, ठीक है, फिर किससे किया हमने 5 से, अब हमारे पास क्या आया एलसीएम हमारा, एलसीएम आया हमारा 2 × 3 × 2 × 5, ये क्या है हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, 5 की 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 आएगा, अब 6 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा 60 आ जाएगा, 60 हमारा आंसर नहीं होगा, हमें अब देखना है कि ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 60 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 60 से क्या हो जाए, 60 से डिवाइड हो जाए, देखते हैं, पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं हम, ठीक है, ऑप्शन ए को उठाया हमने और क्या किया 60 से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड करेंगे 10 से 10 हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 10 से 10 क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 60 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 6 क्या हो जाएगा 12, ठीक है, आप चाहो तो अलग से भी इसको डिवाइड करके देख सकते हो अगर ऊपर नीचे नहीं करना चाहते, 10 से 10 कैंसिल हो गई, अब करेंगे देखो 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है, 6 × 12 बचा कितना यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से हमने क्या उतार लिया 4 को हमने नीचे उतार लिया, ठीक है, यहाँ पे 6 चौक क्या होता है हमारा 24 होता है,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या आया, कंप्लीटली जो है हमारा 1440 जो था हमारा वो 60 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये 60 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो हम ऑप्शन बी को चेक करते, फिर बी नहीं होता तो हम सी को चेक करते, अगर सी नहीं होता तो हम डी को चेक करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास, ये 42 नहीं है, ये सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास, अगर लिखित अंकों 0, 4, 0, 6, 7, 3 तथा 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, ठीक है। इसने कंडीशन दे दी, इसने एक शर्त दे दी कि संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 5 अंकों की होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए, और तीसरा क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। इसने 3 कंडीशन दे दी कि संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए, ना तो 5 से कम की होनी चाहिए, ना ही 5 से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है, और सबसे बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। फिर इसने बोला कि संख्या जो है वो सम होनी चाहिए, यानी कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं, सबसे पहले बोला है सबसे बड़ी देखेंगे, ठीक है, 5 अंकों की होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने अंक दे रखे हैं, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ध्यान रखना है, हमें सभी अंकों का प्रयोग नहीं करना है, हमें सिर्फ 6 में से 5 अंकों का ही प्रयोग करना है, और सबसे बड़ी संख्या, और वो संख्या जो है वो सम होनी चाहिए, ठीक है। देखेंगे, सबसे पहले बड़ी पूछा है तो हम इसमें सबसे बड़ा लेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, 8 है, ठीक है। फिर क्या है हमारा, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 0, 6, 7, 3, 8, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है हमारा, 8 को हमने यहाँ लिख लिया। फिर 8 के बाद क्या आएगा हमारा, 7 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, ठीक है, 7 भी हो गया, 6 भी हो गया। फिर क्या बचा हमारा, 4 बचा, ठीक है, क्या बचा हमारा, 4 बचा। अब इसके बाद क्या बचा हमारा, 3 बचा, ठीक है, 3 बचा और 0 बचा। अब इसमें से डिसाइड करना है आपको कि हम 3 को लेंगे या फिर 0 को लेंगे, ठीक है। देखो कैसे डिसाइड करेंगे, इसने पूछा है सम संख्या, इसने पूछा है सम संख्या, अगर सम संख्या पूछा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लास्ट में 0 लेना पड़ेगा। अगर हम लास्ट में 3 लेते हैं तो ये जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा 2 से, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारा ओड नंबर बन जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता हमारा सम संख्या ना पूछ के विषम संख्या पूछता, है ना, कि वो क्या होनी चाहिए, 5 अंकों की संख्या बड़ी होनी चाहिए और विषम हो, तो हम क्या लेते, 3 लेते लास्ट में, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है कि सम संख्या होनी चाहिए तो हम क्या लेंगे, 0 को लास्ट में लेंगे और 3 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 अंकों की संख्या है और बड़ी संख्या है और क्या है हमारी, सम संख्या भी है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं कि ये वाली संख्या जो है वो कहाँ पे है। देखो इसमें 87 है, ठीक है, 87,604, लेकिन हमें 604 नहीं चाहिए, हमें 640 चाहिए, तो ये गलत है, है ना, बी भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये 3 है यहाँ पे, 43 नहीं है, ठीक है, 3 है ये। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग है, ठीक है। इसने पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी 1 अंकों की, है ना, या 2 अंकों के, 2 अंकों से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 अंकों की सबसे, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 10 से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है हमारी, 99 पे क्या होती है हमारी, ख़त्म होती है, ठीक है। तो देखो 10 तो हमारी क्या है, 2 अंकों की छोटी संख्या है, ठीक है, तो क्या है, 2 अंकों की छोटी संख्या है, और 99 क्या है हमारी, 2 अंकों की बड़ी संख्या है,
इसी तरह हम क्या करेंगे, चाहे हमसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या पूछ रहा है, 6 अंकों की पूछ रहा है, तो हम 6 बार क्या लिखेंगे, 99 को लिख देंगे। कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिख देंगे, ठीक है। अगर हमसे 5 बार पूछा है तो हम 5 बार लिख देंगे, अगर हमसे 4 बार पूछा है तो हम 4 बार 9 लिख देंगे, लेकिन कब लिखेंगे, जब हमसे बड़ी संख्या पूछेगा तब, ठीक है। 2 अंकों की 99 होती है, तो इसने पूछा है कि, अब देखो 2 अंकों की छोटी भी देख लेते हैं साथ में, ठीक है, 2 अंकों की छोटी संख्या, फिर क्वेश्चन करेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 है, क्या है हमारी, 10 है, 10 है हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 10 है। अब देखो, अब इसने बोला है हमसे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कितने अंकों की, 4 अंकों की, ये कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। अब हमें 4 अंकों की बनाना है, तो हम 0 लगा देंगे, देखो 1 अंक ही हो गया, 2 3 4, तो ये क्या हो गई हमारी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। अगर हम अंक गिनेंगे ना, तो हम उसमें 1 को भी काउंट करेंगे, ठीक है, जिसकी 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 4 0 लगा देंगे तो हमसे 4 पूछा है, 9 की तरह नहीं, हम 1 को भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 10 हो गई, ठीक है, 10 हो गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 999, ठीक है, 999। अब क्या पूछा है इसने कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी हमारे पास, 1000 हो जाएगी, 1000 होगी या फिर 10000 होगी, ठीक है, क्या होगी हमारे पास, 1000 होगी या फिर 10000 होगी। देखो ये लिख लेते हैं हम, कितने अंकों की पूछा है, 4 अंकों की, 10 थी हमारे पास 2 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों की ही होगी। अब क्या करेंगे, 4 अंकों की पूछा है तो 2 अंक तो ये हो गए, और 2 जीरो क्या करेंगे, और लगा देंगे, क्या करेंगे, और लगा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 यानी कि 1000, ठीक है, 10000 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये हमें 1 को भी काउंट करना है डिजिट में, ठीक है, ये हो गया। अब इसने पूछा है का योग क्या होगा, योग मतलब हमें प्लस करना है इन दोनों को, ठीक है, क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम, प्लस कर लेंगे इन दोनों को, देखो 999, चाहो तो ऊपर नीचे भी रख के प्लस कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, 9 आएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, 1999, सबसे बड़ी 3 अंकों की और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है हमारे पास, 6 के सभी गुणनखंडों का योग है, ठीक है, 6 के सभी गुणनखंडों का योग है, ठीक है, यानी कि 6 के जितने भी गुणनखंड है, ठीक है, जितनी भी जो हमारी जितने भी ऐसी डिजिट है जो 6 को डिवाइड कर देती है ना, 6 को डिवाइड कर देती है, ठीक है, उनका योग बताना है हमें, ठीक है, क्या बताना है, योग बताना है, ठीक है। तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 6 के गुणनखंड, ठीक है, 6 के गुणनखंड कौन कौन से है हमारे, कौन कौन से है हमारे, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर गुणनखंड पता करना है हमें, है ना, यानी कि गुणनखंड वो होता है कि 6 के गुणनखंड पूछा है हमसे, है ना, कि यानी कि हमें ऐसी डिजिट बतानी है, ऐसी डिजिट का हमें योग करना है जो 6 को क्या कर दे, कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 जो है 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है, पूरे तरीके से 6 को डिवाइड कर देगा, देखो ये कर दिया 6 से, 1 6 जाए यहाँ पे 6 आ जाएगा, नीचे 0 आ गई, ठीक है, 1 आएगा, 2 भी कर देगा, क्यों, क्योंकि 2 तिया कितने होते हैं, 6 होता है, ठीक है, 2 लिखेंगे, 3 भी कर देगा, ठीक है, 3 भी क्या कर देगा, 6 को डिवाइड कर देगा,
फोर करेगा नहीं करेगा, ठीक है, फाइव करेगा नहीं करेगा, सिक्स करेगा, सिक्स सिक्स को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली तो क्या आएगा सिक्स, सिक्स के बाद और कोई भी डिजिट जो है वो सिक्स को डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, वन टू थ्री और सिक्स। अब क्या पूछा है, इसका योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स कितना आएगा हमारे पास, सिक्स में थ्री प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, नाइन आएगा, ठीक है, नाइन में वन प्लस करेंगे टेन आएगा, और टेन में टू प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है। यानी कि छः के सभी गुणनखंड जो है उनका योग कितना होगा, ट्वेल्व होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक के लिए कुल 2160 रुपए एकत्रित किया, ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक के लिए कुल 2160 रुपए एकत्रित किए, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने 45 रुपए का योगदान दिया तो विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने कितने जमा किए, कितने रुपए जमा किए, 2160, और प्रत्येक विद्यार्थी ने जो है कितने दिए थे, 45 रुपए दिए थे। अब बताना है हमें कि कक्षा में कुल कितने बच्चे थे, कक्षा में कुल कितने बच्चे थे, ठीक है, ये बताना है हमें। तो विद्यार्थियों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है, क्या बतानी है, विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या ये हमें निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, जमा राशि कितनी है हमारे पास, कितनी है, 2160, ठीक है, ऊपर हमारी जमा राशि आएगी, और प्रत्येक जो विद्यार्थी था उसने कितने का योगदान दिया, 45 रुपए का योगदान दिया। अब क्या करेंगे, 45 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्लास में हमारे पास कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट थे, 48 स्टूडेंट थे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है हमारे पास, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, ठीक है, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, यदि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले हो तो राम को मिलने वाला अंक क्या होगा, ठीक है, हमें बताना है कि राम को कितने अंक मिले। देखो इस क्वेश्चन में, एक देखो, राम को परीक्षा में श्याम से, राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले, ठीक है, किसको अधिक मिले हैं, राम को अधिक मिले हैं, ठीक है, राम को अधिक मिले हैं, जबकि श्याम को क्या मिले हैं, कम मिले हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि राम को जो है, राम का हम x मान लेंगे, ठीक है, यानी कि राम को जो है, जो श्याम जो है उसको कम मिले होंगे राम से, ठीक है, श्याम को राम से कम मार्क्स मिले होंगे, कितने मार्क्स कम मिले होंगे, 8 मार्क्स कम मिले होंगे, तभी तो राम को ज़्यादा 8 मार्क्स मिले, है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि राम को प्राप्त मार्क्स, ठीक है, राम को माना, राम को प्राप्त अंक, ठीक है, कितने मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। इसने बोला है राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, तो श्याम को 8 अंक कम मिले होंगे राम से, ठीक है, श्याम को 8 अंक कम मिले होंगे राम से, ठीक है। हमने राम को x मान लिया, फिर बोला है इसने कि श्याम को, है ना, श्याम को प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, अगर राम को श्याम से अधिक मिले हैं तो श्याम को राम से 8 अंक कम मिले होंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 8 नंबर x में से, ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी उसमें से 8 नंबर कम कर देंगे। फिर बोला है उसने अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, ठीक है, किसको, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, ठीक है, यानी कि अनिल को प्राप्त अंक,
कितने अंक मिले हैं? 4 अंक अधिक मिले हैं। किससे अधिक मिले हैं? राम से अधिक मिले हैं। राम को हमने x माना था तो x मानेंगे यहाँ पे, अधिक मिले हैं तो प्लस लगाया, कितने मिले हैं? 4 मिले हैं। ठीक है, अब देखो यदि तीनों को मिलाकर 128 अंक मिले, टोटल अंक कितने हैं? तीनों के 128 नंबर हैं। ठीक है, तो बोला है राम को कितने नंबर मिले। ठीक है, टोटल दे दिया कि तीनों के 128 मार्क्स आए हैं तीनों के नंबर मिला के। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम तीनों को प्लस कर लेंगे, तीनों के प्लस किया है तभी तो 128 आए हैं, तो अब हम तीनों को यहाँ पे प्लस कर लेंगे। x प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 128। ठीक है, इज इक्वल टू 128। अब देखो ये x प्लस x कितना हो जाएगा हमारे पास? 2x। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं हम। यहाँ देखो मेरे पास 3x है और तीनों किसके हैं? प्लस के हैं। देखो ये दो प्लस के हो गए, ये x जो है ये भी प्लस का हो गया। मेरे पास 3x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे 3x लिख सकती हूँ। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 3x। फिर क्या बचा मेरे पास? माइनस 8 प्लस का 4 इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है और माइनस प्लस क्या होता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस होता है हमारा। ठीक है, प्लस 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 क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है? ये भी माइनस होता है। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस है तो क्या आएगा? माइनस प्लस है तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। क्या करेंगे? 3x इज इक्वल टू साइन किसका आएगा? देखो यहाँ पे है माइनस का 8 और प्लस का 4, तो बड़ा कौन सा है? माइनस का 8 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी के आगे जो साइन होता है वही आता है। तो यहाँ पे किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस का 8 जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस करेंगे इनको क्या आएगा हमारे पास? माइनस का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 128। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 128। अब देखो ये 4 जो है इस तरफ माइनस का है। ठीक है, 4 क्या है? माइनस का है। हम क्या करेंगे इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा हमारा? प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा, इस तरफ माइनस का है तो राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 128 प्लस 4। ठीक है, 128 प्लस 4 3x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से? 132, 132 आ जाएगा, प्लस करेंगे इनको। ठीक है, आप देखो 3x यानी कि देखो 3x यानी कि इसका मतलब क्या है? 3 जो है x के मल्टीप्लाई में है और x जो है वो 3 के मल्टीप्लाई में है, यही मतलब है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है आपस में, तो ये जो है राइट में जाएगा, 3 जो है यहाँ से x के पास से उठ के राइट में जाएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। क्या आएगा? x इज इक्वल टू 132 अपॉन 3। ठीक है, क्या करेंगे इनको? काट देंगे यहाँ से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आएगा हमारे पास? 3 चौक क्या होता है? 12, 1 बचा यहाँ से, फिर 3 चौक 12, यानी कि 44। ठीक है, क्या आया हमारे पास? 44 x की वैल्यू आई है। ठीक है, वो x की वैल्यू ही इसने पूछी है, यानी कि x की वैल्यू मतलब राम को प्राप्त अंक थे ना वो आए हैं 44, यानी कि राम को कितने अंक प्राप्त हुए? राम को प्राप्त अंक। ठीक है, राम को प्राप्त अंक कितने हुए? 44। और हमसे यही पूछा है कि राम को कितने मार्क्स मिले, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? यदि बिस्कुटों के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपए है, पैकेट कितने हैं हमारे पास? 12 है, 12 पैकेटों का मूल्य है 240 रुपए, तो बिस्कुटों के 8 पैकेटों का मूल्य होगा। ये बताना है कि 12 पैकेटों का मूल्य तो हमारे पास है 240। ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे कि 12 पैकेटों का मूल्य। ठीक है, हम शॉर्ट से करेंगे इसको। 12 पैकेटों का मूल्य 240, 8 पैकेटों का मूल्य निकालना है। 8 पैकेटों के मूल्य निकालने से पहले हम इसका एक पैकेट का मूल्य निकाल लेते हैं कि एक पैकेट का मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्या करेंगे? एक पैकेट का मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लिखेंगे। एक पैकेट का मूल्य कितना आ जाएगा? 240 / 12 आ जाएगा।
ठीक है, 240 अपॉन 12 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको, 12 दुनी क्या होता है 24, और ये जीरो हमारी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि एक पैकेट का मूल्य कितना है हमारे पास 20 रुपए है, तो 8 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 160 रुपए आएगा, ठीक है, कितना आएगा 160 रुपए आएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी कि 12 पैकेटों का मूल्य इतना है, एक का इतना है, आठ का इतना है, ये हमारा बेसिक से था, ठीक है, ये वाला मेथड जो है हमारा बेसिक से था। हम क्या करेंगे इसको, मैंने बताया था कि इसमें देखो रुपए कितनी बार है, दो बार दिए हुए हैं, रुपए कितनी बार है, एक बार है, है ना, रुपए की वैल्यू कितनी है, एक बार है, और पैकेट हमारे पास कितनी बार है, दो बार है, ठीक है, जो वैल्यू एक बार होती है हम उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, रुपए कितनी बार दिए हुए हैं, एक बार दिया हुआ है, और पैकेट कितनी बार दिए हुए हैं, दो बार है, क्या करेंगे, एक बार जो वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जो एक बार दी हुई होती है, फिर क्या करते हैं, जो पूछा होता है ना हमसे, पूछा क्या हमसे कि 8 पैकेट का मूल्य कितना होगा, जो पूछा होता है वो इसके मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है, और 240 की किसकी वैल्यू है, 12 पैकेटों की वैल्यू है, इसको सोल्व कर देंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, 20 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 8 के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 160 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा शॉर्ट मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट में क्या है हमारे पास, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है, ये पूछा है, यानी कि 12 क्या है, जो पुरुष है, ठीक है, 12 पुरुष है, कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में काम को खत्म कर देते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास 15 जो स्त्रियां है वो कितने दिन में काम को खत्म करती है, देखो ये एफ क्या है, मेल, ठीक है, और एम क्या है, मेल, और एफ क्या है हमारा, फीमेल से, ठीक है, यानी कि ये स्त्रियों के काम की संख्या है और ये पुरुष के काम की संख्या है, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है, यानी कि 12 आदमी और 15 औरतें जो है एक काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है, ये 10 से हमारा क्या होगा, 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास, 12m इज इक्वल टू 15f, ठीक है, यानी कि जितने दिन में 12 आदमी काम खत्म करते हैं उतने ही दिन में 15 स्त्रियां काम को खत्म कर देती हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से m और f की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे m लिखा हमने, ये देखो 15 और f क्या है, मल्टीप्लाई में है, देखो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट बना लेते हैं ना, काट लेते हैं हम इसको, किससे कैंसिल करेंगे, 3 से 4 पे जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 पे, यानी कि m 4m इज इक्वल टू 5f, हमने इसको छोटा कर लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, m की और f की वैल्यू निकाल लेंगे, m लिखा हमने, ये देखो 5f जो है मल्टीप्लाई में है, ये f जो है अपने लेफ्ट में जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि m के डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो m की वैल्यू क्या दे रखी है, m के साथ कौन है, 4 है, f के साथ कौन है, 5 है, मैंने बताया था इनके एम के साथ जो 4 है, एम जो है अपने अपने साथ वालों की जो वैल्यू है ना, अपने साथ वालों को पसंद नहीं करता, ये अपने पड़ोसी की वैल्यू को पसंद करता है, तो इसका पड़ोसी कौन है, एफ है, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, तो एम किसकी वैल्यू को पसंद करेगा, एफ की वैल्यू को पसंद करेगा, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी, एफ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एफ का पड़ोसी कौन है, एम है, एम किसके मल्टीप्लाई में है, 4 के, यानी कि एम के पास किसकी 4 है हमारे पास, M के पास क्या है, 4 है, तो F किसकी वैल्यू को पसंद करेगा, M की वैल्यू को पसंद करेगा, और M की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4, ठीक है, ये आ गया, यानी कि M बाई एफ की एम की वैल्यू क्या आई, 5 आई, और F की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने, उसी काम को 7 पुरुष पूछा है, तो 7m लिख लेते हैं, ठीक है, तथा 10 स्त्रियां, प्लस का साइन लगाएंगे, 10 स्त्रियों क्या क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेगी, प्लस का साइन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इसने पूछा है कि 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर, यानी कि एक साथ मिलकर काम कितने दिनों में खत्म करेंगे, कितने दिनों में, यानी कि हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे,
हमें ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमें निकालना है, ठीक है, यानी कि 7m प्लस 10f मल्टीप्लाई डी, 7m प्लस 10f मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू इस ये वाली इक्वेशन जो है, इस वाली इक्वेशन को मैंने बताया था या तो इस वाली इक्वेशन के साथ रख लो, ठीक है, या फिर फीमेल के साथ रख लो या फिर मेल के साथ रख लो, आंसर सेम ही आएगा। हम क्या रखते हैं, हम फीमेल के साथ रख लेते हैं, 15f मल्टीप्लाई 10, 15f मल्टीप्लाई 10। अब देखो m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, m की वैल्यू और f की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं हम। m की वैल्यू आई थी 5 और f की 4, m की 5 और f की 4। अब क्या करेंगे, 7m लिखेंगे, 7m नहीं लिखेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे यहाँ पे 10। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। d की वैल्यू हमें निकालनी है तो d लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 15, f की वैल्यू कितनी है, 4 है, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, कितना आएगा हमारे पास, 35 आएगा, प्लस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, कितना आएगा हमारे पास, 40 आएगा, मल्टीप्लाई डी लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से कर लेते हैं हम 15, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, कितना आएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, 5 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा, 4 में प्लस करेंगे 3 हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 7 आएगा। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, d लिखेंगे इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। अब देखो 75 जो है हमारा, 75 जो है हमारा, मल्टीप्लाई है किसके, d के और 75 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये जो है हमारा 75 जो है राइट में आएगा तो किसका साइन में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 75 जो है राइट में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। एक्स डी इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 75, ठीक है, क्या आ गया हमारा 15 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 75। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 75 को 15 से, कहाँ पे जाएगा ये, 5 पे जाएगा, क्या आएगा, 75 आएगा, ठीक है, यानी कि हमने इसको कैंसिल कर दिया 15 से, तो क्या आया, 5 आया, 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आएगा हमारे पास, 5 वन जा और 5 एट जा, यानी कि 8 क्या आ गए हमारे पास, दिन आ गए, ठीक है, यानी कि 7 मेल प्लस 10 फीमेल जो है 8 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है हमारे पास, एक बस 9:45, ठीक है, ये क्या है हमारा, इसका मतलब है कि 9:00, ये क्या है हमारी 45 मिनट, ठीक है, 9:45 यानी कि 9:45 प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, वह अपने गंतव्य जो 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है, क्या है, 300 किलोमीटर दूर है, पर कितने बजे पहुंचेगी, ठीक है, हमें बताना है स्टार्ट कब किया था उसने, 9:45 पर चलना स्टार्ट किया था उसने, ठीक है, कितनी किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, कितनी दूरी तय करनी है उसको, 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, चाल हमारे पास ये है, दूरी हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही होती है, ठीक है, इसको दूरी मत मान लेना, ये हमारी क्या है, चाल है, ठीक है, क्या है हमारी, चाल है। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, पर कितने बजे, 300 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी, यानी कि हमसे पूछा क्या है, हमसे समय पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, समय पूछा है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी, दूरी अपॉन चाल होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा, दूरी अपॉन चाल होता है,
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन चाल होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दूरी भी हमसे दे रखी है। दूरी हमसे कितनी गिवन है, यहाँ पे दूरी है 300 किलोमीटर, चाल कितनी दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से 10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 4 8 हो जाएगा, 2 1 और 2 5 कितना आएगा हमारे पास, 15/4 आ जाएगा। ठीक है, 15/4 क्या है हमारे पास, ये घंटे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 15/4 आया हमारे पास। देखो डिवाइड करते हैं हम, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा ये, 3 पे जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा, बचा कितना है यहाँ से 3। ठीक है, अब देखो इसको किस में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ये जो 4 होता है हमारा ये नीचे चला जाता है। ठीक है, नीचे भेजेंगे 4 को, ये यहाँ आ गया, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये जो शेषफल था ये भागफल की तरह चला जाएगा। ठीक है, और जो भागफल था वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, भाजक की जगह आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से घूमेंगे, इस 4 को नीचे लेके आएंगे तो नीचे लिखा हमने, ठीक है नीचे लिखते हैं, ये वाला 3 जो है ऊपर जाएगा, मतलब ये यहाँ आएगा, ये 3 जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि 3 तो क्या हो गया हमारे पास, 3/4। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, घंटे हो गए, क्या आए हैं ये हमारे पास, घंटे आए हैं। ठीक है, यानी कि 3 घंटा 3/4। ठीक है, अब देखो 3/4 जो है हमारे पास ये घंटे में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। जब मैंने बताया था कि हम घंटे को, ठीक है, घंटे को किस में चेंज करते हैं, मिनट में चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब मिनट को घंटे में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, 60 से करते हैं। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मिनट घंटा दिया हुआ है, ठीक है, मिनट में चेंज करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 60 से करेंगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, ये कैंसिल कर देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, 2 से करो सबसे पहले, 2 2 जा 2 3 जा, फिर से किससे करेंगे हम, 2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 15 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 45 क्या आ गए हमारे पास, ये मिनट आ गए। अब क्या करेंगे हम, 3 घंटे, ये वाले 3 घंटे थे ये लिखेंगे यहाँ पे, है ना, 3 आवर्स 45 मिनट, क्या लिखेंगे, 3 आवर 45 मिनट। अब इसको प्लस करेंगे, किसमें प्लस करेंगे, क्योंकि इसने चलना स्टार्ट किया था 9:45 पे। ठीक है, 9:45 पे जो है इसने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये लास्ट में हमारा क्या, 9:45 में इसने चलना स्टार्ट किया था, और इसमें प्लस कर देंगे कितने घंटे, 3 घंटे 3 घंटे और कितनी मिनट, 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट 9:45 में ऐड कर देंगे तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, जिस स्थान पर उसको जाना था वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, ऐड करेंगे, देखो यहां से ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 5 को प्लस करेंगे 0, 1 कैरी, 4 4 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 1 कैरी, 9। ठीक है, 9 में क्या करेंगे हम, 3 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 9 में क्या करेंगे हम, 3 को प्लस करेंगे। अगर इसको ऐसे प्लस नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी है इसको प्लस करने का, कैसे है वो तरीका हम देखते हैं। देखो 9:45, ठीक है, और क्या था हमारा, 3 घंटे 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, देखो हम प्लस करके देखते हैं, सबसे पहले 90 आएगा हमारा। ठीक है, इनको प्लस करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 12 घंटे 90 मिनट हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है हमारे पास, 60 मिनट होती है। ठीक है, तो 90 में से हम 60 मिनट निकाल लेंगे, और वो 60 मिनट मतलब 1 घंटा हम 12 में प्लस कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 60 और 30,
ठीक है, 90 को हमने दो भागों में तोड़ लिया, 60 और 30। 60 मतलब 60 मिनट क्या होती है, मतलब एक घंटा। तो हमारे पास मिनट के पास एक घंटा है, तो हम इस घंटे में प्लस कर देंगे, यानी कि 12 + 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 13 होगा, लेकिन एक ही बजेगा ना, ठीक है, 1, और हमारे पास कितनी मिनट है, 30 मिनट बाकी है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 1:30 पर वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, ठीक है, 1:30 पर आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास, राम ने एक पुस्तक जो है 178.50 रुपए में एवं 248.25 रुपए की दवाइयां खरीदकर 500 रुपए का नोट दुकानदार को दिया। अब बताना है कि उसको लौटाई गई राशि कितनी है, यानी कि दुकानदार ने उसको 500 में से कितने रुपए वापस दिए, ठीक है, ये बताना है हमें। अब देखते हैं, सबसे पहले राम ने क्या खरीदी, पुस्तक खरीदी, ठीक है, क्या खरीदी, पुस्तक खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, 178.50। फिर क्या किया उसने, दवाइयाँ खरीदी, क्या खरीदी, दवाइयाँ खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, 248.25 की खरीदी। अब क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, पॉइंट 16.88 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे 16 आएगा, 1 कैरी जाएगी यहाँ पे, 7 में 1 कैरी प्लस करेंगे 8 होगा, 8 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा, 12 होगा, 1 कैरी फिर से जाएगी, 2, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3, 1 प्लस करेंगे कैरी को कितना आएगा, 4, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें क्या करना है, टोटल हमने कितने रुपए दिए थे दुकानदार को, 500 रुपए दिए थे, हमने 426 रुपए का सामान खरीदा, 426.75 का सामान खरीदा, और हमने दुकानदार को 500 रुपए दिए थे, तो वो हमें वापस कितने रुपए देगा, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, 500 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा हमने, क्या किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा। अब सबसे पहले यहाँ से कैरी ली इसने, फिर यहाँ पे 10 हो गया, फिर इसने यहाँ से कैरी ली, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, ऐसे यहाँ से कैरी लिया उसने, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 आया, यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, प्लस ये सॉरी पॉइंट लगाया हमने नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया हमने, यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि इस 0 ने इसके पास से कैरी ले ली थी, 9 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, 3 आएगा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से क्या माइनस करेंगे हम, 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 7 आएगा, ठीक है, और ये 5, 4 बन जाएगा हमारा, क्योंकि 0 ने कैरी ले ली थी, ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 73.25 क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं बता दूं, अगर आपको नवेद्या का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको आर के कैंपस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसमें आपको जो है नवेद्या के कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, नवेद्या का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 999 रुपए में। ये 999 सिर्फ 30 नवंबर तक ही है, 30 नवंबर के बाद जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।